हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीप ब्रदर्स। दिस इज कुलदीप एंड आकाश जी। आज का जो वीडियो होने वाला है ये होंडा ग्रेजिया 125 सीसी के बारे में है। इसका वीडियो ऑलरेडी हमने बना चुके हैं, फिर भी इसका इतना रिक्वेस्ट आ रहा है कि इसके बारे में और भी हमको जानना है, सो इसलिए इस स्कूटर के ऊपर हमने फिर से एक वीडियो बनाया है। स्कूटर का जो इंजन दिया गया है वो बहुत बढ़िया दिया गया है, और स्कूटर के बारे में जितना भी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स है हम शेयर करेंगे। उससे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप प्लीज़ काइंडली हमको सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी नया वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर पाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करके बताइए आपको कौन सा स्कूटर्स और बाइक्स के बारे में आपको जानना है और हमारा वीडियो आपको कैसे लगता है, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा जितना भी नया वीडियोज़ हम अपलोड करें आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन चल जाए। चैनल को तो सब्सक्राइब कर दिया है, अभी आते हैं स्कूटर का स्पेसिफिकेशन, जो कि इंजन दिया गया फैन कूल्ड 4 स्ट्रोक SI इंजन 124 सीसी का। इसका मैक्सिमम इंजन आउटपुट मिल जाता है आपको 6.07 किलोवाट एट 6000 आरपीएम, और मैक्सिमम टॉर्क मिल जाता है 10.3 Nm एट 5000 आरपीएम। इसमें आपको मिल जाता है PGM FI फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम, और इसका बोरो स्ट्रोक मिल जाता है 50:63.1। कंप्रेशन रेशियो आपको मिल जाता है 10:1, और इसका एयर फिल्टर टाइप दिया गया है विस्कोस पेपर फिल्टर, और स्टार्टिंग मैटर इसका सेल्फ और किक दोनों ही है। इसका फ्रेम टाइप जो दिया गया है ये अंडरबॉर्न है, और इसका सस्पेंशन आपको मिल जाता है टेलीस्कोपिक, और रेयर सस्पेंशन आपको मिल जाता है 3-स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप। आते हैं इस स्कूटर का कलर्स जो कि अवेलेबल है चारों कलर्स में, जो कि मैट साइबर येलो, मैट एक्सिस ग्रे मेटलिक, पर्ल साइरन ब्लू, पर्ल स्पार्टन रेड। होंडा ग्रेजिया 2 वेरिएंट में मिल जाता है, जैसे कि स्टैंडर्ड और डिलक्स। डिलक्स के बारे में ही हम इस वीडियो बना रहे हैं, और स्टैंडर्ड में सिर्फ 2 या 3 ही फीचर्स कम दिया गया है, वरना सेम टू सेम ही है। तो अभी आते हैं स्कूटर का इंजन टेक्नोलॉजी, जो कि HET इंजन विद ESP टेक्नोलॉजी दिया गया है। इस टेक्नोलॉजी का मतलब है आपका इंजन का एफिशिएंट कंबशन मैक्सिमाइज कर देता है और फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर देता है, ताकि आपका इंजन आउटपुट बहुत बढ़िया रहे। होंडा इस स्कूटर का इंजन बहुत पावरफुल बनाया है, उसके साथ साथ क्लीनर एनवायरनमेंट भी मेंटेन करता है। इसका नेक्स्ट जो इंजन फीचर दिया गया है वो है साइलेंट स्टार्ट विथ ACG। इसका मतलब है जब भी आप स्कूटर या बाइक स्टार्ट करते हो तो गियर मशीन का एक नॉइज होता है, वो स्कूटर में आपको नहीं मिलने वाला है। होंडा खुद का PGM फ्यूल इंजेक्शन जो टेक्नोलॉजी दिया गया है इसके अंदर, वो बहुत बढ़िया काम करता है, और इस इंटेलिजेंट सेंसर की वजह से आपका माइलेज बहुत बढ़ जाता है और आपका मैक्सिमम पावर भी जनरेट होता है इस इंजन से। अभी आते हैं स्कूटर का डिज़ाइन, जो कि बहुत स्टाइलिश और एग्रेसिव दिया गया है। स्पोर्टी लुक्स भी आपको मिल जाता है स्कूटर में। इसका न्यू स्प्लिट LED पोजिशन लैम्प और हेडलैम्प्स की वजह से आपका विजन, नाइट विजन बहुत क्लियर होने वाला है, और इसका लुक्स भी और भी एनहेंस कर देता है। इसका टेल लैम्प आपको मिल जाता है जेट इंस्पायर्ड बोल्ड लुक के साथ, जो कि बहुत बढ़िया दिखता है। उसके साथ साथ आपको मिल जाता है स्टाइलिश मफलर प्रोटेक्टर, जो कि डिज़ाइन में भी बहुत काफ़ी सुंदर दिखता है, और ये पिलियन या राइडर का प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। अभी आते हैं स्कूटर के फीचर्स के बारे में, जो कि आइडलिंग स्टॉप सिस्टम इसमें दिया गया है। उसके साथ साथ साइड स्टैंड इंजन कटआउट भी आपको मिल जाता है, और इसमें आपको इंजन स्टार्ट और स्टॉप स्विच भी मिल जाता है। अभी आता है इसका आइडलिंग स्टॉप सिस्टम, जो कि आपको पता ही है कि अगर आप कोई ट्रैफिक में अगर खड़ा होते हो तो 10 या 15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ये स्कूटर बंद हो जाता है, और जब भी आप एक्सेलेरेट करते हो तो वो स्कूटर अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है, कोई चाबी घुमाने का ज़रूरत नहीं होता है। और साइड स्टैंड इंजन कटऑफ का मतलब है इसका, जब भी आपका साइड स्टैंड गिरा हुआ रहता है तो आप इंजन को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, वो इंजन बंद ही रहता है। ये सेफ्टी के लिए आपको डिज़ाइन किया गया है इस स्कूटर में, और इंजन स्टॉप स्विच की वजह से आपका राइडिंग एक्सपीरियंस और भी कंफर्टेबल होने वाला है। जब भी मन चाहे तो आप स्कूटर को बंद कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं इस स्विच की वजह से। अभी अगर प्रैक्टिकल फीचर्स के बारे में बात किया जा सकता है, तो इसका इंटीग्रेटेड पास स्विच, जो कि बहुत प्रीमियम क्वालिटी के दिया गया है, और आपका एक ही स्विच में आपका लो बीम, हाई बीम और पास स्विच काम कर जाता है। इसका एक्सटर्नल फ्यूल लिड, जो कि सबसे प्रैक्टिकल चीज़ दिया गया है इस स्कूटर में, जो कि आपको बहुत आसानी से फ्यूल रिफिल करने में मदद करता है, और सीट खोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक्सटर्नली आपको लिड मिल जाता है फ्यूल रिफिल करने के लिए। इसका रीडिज़ाइन ग्लव बॉक्स, जो कि सामने में आपको मिल जाता है एक छोटा सा एक कंपार्टमेंट, जिसके अंदर आप ग्लव्स भी रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं, या कुछ छोटा सा सामान या बॉटल रख सकते हैं, जो कि बहुत
इफेक्टिव और एफिशिएंट है डेली लाइफ के लिए। अभी आते हैं इसका मल्टीफंक्शन यूनिट, जो कि बहुत बेहतरीन एक यूनिट दिया गया है, जिसके अंदर आपको सीट खोलने के लिए, फ्यूल लिड खोलने के लिए, या गाड़ी ऑन और ऑफ और बहुत सारे फीचर्स इस एक ही चाबी के या मल्टीफंक्शन यूनिट में आपको मिल जाता है। अभी आते हैं स्कूटर का मीटर या कंसोल के बारे में, जो कि फुल्ली डिजिटल मीटर मिल जाता है और रियल टाइम माइलेज, एवरेज माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी और थ्री स्टेप इको इंडिकेटर इसमें मिल जाता है, जो कि राइडर का राइडिंग कंफर्ट और कैलकुलेशन दोनों में मदद करता है और बहुत इफेक्टिव है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस स्कूटर का सेफ्टी, जो कि ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। फ्रंट में 190mm का डिस्क और रेयर में आपको मिल जाता है 130mm का ड्रम। इसमें दोनों ही टायर्स ट्यूबलेस है और इसका वाइड टायर्स की वजह से आपका राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत कंफर्टेबल होने वाला है और हैंडलिंग और ग्रिपिंग बहुत कंफर्टेबल होने वाला है। अभी आते हैं स्कूटर का डायमेंशन, जो कि लेंथ है 1829mm, विड्थ है 707mm का, हाइट दिया गया है 1167mm और व्हील बेस है 1260mm का। ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 171mm का और कब वेट है 108kg। इसका सीट लेंथ है 708mm और इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है 5.3 लीटर्स और इसका माइलेज आपको मिल जाता है 45 to 48 km/L। तो सारे के सारे फीचर और स्पेसिफिकेशन हमने तो शेयर कर दिया है। अभी आते हैं स्कूटर को अगर आप किसी और स्कूटर के साथ कम्पीट करना चाहते हैं, तो आपको इंडियन मार्केट में मिल जाता है हीरो मैस्ट्रो एज, यामा रे जेडर, टीवीएस एंटॉर्क 125, एप्रिला एसआर 125 और सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125। ये जितना भी स्कूटर्स के हम नाम लिए हैं, इसके साथ सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाता है हमारे वीडियो सेक्शन में, आप जाके देख सकते हैं। अभी आते हैं स्कूटर का राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि बहुत कम्फर्टेबल होने वाला है और डेली कम्यूट करने के लिए ये स्कूटर परफेक्ट है। ये कोई भी जनरेशन का एज राइडर चला सकता है इस स्कूटर को। और इस स्कूटर का लेग स्पेस, अंडर सीट स्टोरेज और सीट इतना स्पेशियस दिया गया है, ताकि राइडिंग एक्सपीरियंस और भी कंफर्टेबल होने वाला है और डेली पर्पज़ के लिए बहुत सारा सामान भी आप इसमें कैरी कर सकते हैं। इसमें सिलेंडर भी आप कैरी कर सकते हैं और डेली कम्यूट या डिलीवरी के काम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्कूटर में तीनों चीज़ें हम बताना चाहते हैं, जो कि बहुत बढ़िया दिया गया है। इसका 125cc बहुत रिफाइंड और इसका हैंडलिंग डायनेमिक्स बहुत अच्छा है और इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, जो कि बहुत बढ़िया और इन्फॉर्मेटिक है। और हमारे हिसाब से स्कूटर में तीनों चीज़ जो कि और भी बेटर हो सकता था, जैसे कि इसका एक्सेलरेशन, इसका राइडिंग क्वालिटी जो कि बहुत सॉफ्ट दिया गया है, और इसका ब्रेकिंग और भी पावरफुल होना चाहिए था और इसका बाइट्स और भी कैची होना चाहिए था। इस बेहतरीन एक स्कूटर के साथ साथ आपको बहुत सारे एक्सेसरीज भी मिल जाता है, जो कि आपको अलग से ख़रीदना पड़ता है, जैसे कि इसका बॉडी कवर, ग्रिप कवर जो कि दो टाइप का मिल जाता है, एक साड़ी स्टेप और इसका सीट कवर जो कि प्रीमियम क्वालिटी का दिया गया है, और इस स्कूटर का टोटल गार्ड किट जो कि आपका स्कूटर को सेफ रखे और कोई एक्सीडेंट से बचाए। अभी आते हैं स्कूटर का प्राइसिंग, जो कि स्टैंडर्ड BS6 मॉडल दिया गया है, वो 75,434 में आपको मिल जाता है और डिलक्स BS6 मॉडल आपको मिल जाता है 82,530 में। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में शेयर कर दिए हैं स्कूटर के बारे में। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगता है और कौन सा स्कूटर्स और बाइक्स के बारे में आपको जानना है, वो भी हमारा कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमने हमारा काम तो कर ही दिया है, पूरा बाइक के और स्कूटर के बारे में हम इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते हैं और आप प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, ताकि हम और भी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर पाए। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारा नया वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाए। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।